देखिए दोस्तों, ये परखम्मा जो मार्ग है हम उस पर हैं और खो से डीग के लिए हम जा रहे हैं, तो रास्ते में बहुत ही भीड़ है और परखम्मा वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा सुविधा लोगों ने कर रखी है। और वाकई में परखम्मा एक 84 कोस पैदल चलना बहुत हिम्मत है। हर इसी के अंदर हिम्मत नहीं होती, लेकिन इनके अंदर जो हिम्मत है वो दाद देनी पड़ेगी। बहुत ही ज़्यादा हिम्मत इनके अंदर है। और मुझसे ज़्यादा भाई अजय कोहली को पता है, अब ये बता देगा भाई परखम्मा के बारे में। तो दोस्तों सभी को नमस्कार और राधे राधे, क्योंकि राधे और श्री कृष्ण के लिए ये परिक्रमा लगाई जाती है। बताया जाता है कि भगवान श्री कृष्ण की कृपा इन सभी पे होती है। और हम आपको बता दें 84 कोस की परिक्रमा आदमी जब शुरू करता है, जहाँ से शुरू करता है वहीं पर यह समाप्त होती है। जगह जगह जो यात्री हैं, यात्री इनको कहते हैं, यात्री जो हैं सभी भक्तजन जो हैं, उन सभी के लिए खाने की जगह जगह, पीने की पानी की व्यवस्था, ठहरने की व्यवस्था, सभी की व्यवस्थाएँ यहाँ की गई हैं। इसमें लगभग लगभग जो गांव हैं 100 कुछ गांव पड़ते हैं और 100 कुछ गांवों से होकर ये गुजरते हैं। ये परिक्रमा जो है, ये परिक्रमा 84 कोस की होती है। 84 कोस की जो ये परिक्रमा है, इसके बताया जाता है कि जो व्यक्ति इन 84 कोस की परिक्रमा को पूरा कर लेता है, वो अपने 84 युग जो कहते हैं 84 युगों से या फिर 84 योनियों से आदमी मुक्ति पा लेता है, ऐसा माना जाता है। और इसी के लिए ये परिक्रमा जो है वो चलाई जाती है। आप देख सकते हैं कि जो यात्री हैं, श्रद्धालु हैं, भक्तजन जो हैं, उनकी भीड़ किस तरह से है। भीड़ आप देख सकते हैं, लाखों लोग जो हैं आए दिन, अब आप देख रहे हैं कि रास्ते पर हैं, परिक्रमा मार्ग पर हम हैं, लाखों लोग जो हैं वो इस परिक्रमा में हिस्सा लेते हैं। भक्तजन जो हैं वो मतलब अपने परिक्रमा को पूरा करते हैं। ये परिक्रमा हर साल चलती है और परिक्रमा मार्ग पर लाखों लोग हर साल आपको नज़र आते हैं। अभी हम जो हैं वो खो और डीग के बीच में हैं। बताया जा रहा है कि कई जो गांव है वहां पर कि मुस्लिम गांव जो है वो बीच में आते हैं, तो वहां दिक्कत आती है। लेकिन जब हमने यात्री या फिर यूं कहें कि भक्तजनों से बात की, उन सभी का ये कहना था कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जिन्होंने ये सब बातें की हैं वो बिल्कुल अनर्गल बातें हैं। वैसे भी हम आपको बता दें, जब आप मेवात में प्रवेश करोगे तो मेवात के जो जहाँ मुस्लिम समाज के लोग रहते हैं, उन्होंने जो भक्तजन जो है उनके लिए पीने के पानी की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, यानी कि सारी व्यवस्थाएं वो लोग वहाँ कर रहे हैं। बाकी जो लोग इस तरह के मतलब बातें करते हैं, सांप्रदायिक बातें करते हैं और सांप्रदायिक सद्भावनाओं को बिगाड़ने की जो कोशिश करते हैं, वो बहुत गलत है। नहीं तो अगर मेवात की बात की जाए तो मेवात ब्रज क्षेत्र जो है, वहाँ अगर हिंदू मुस्लिम एकता की बात की जाए तो मेरे हिसाब से पूरे देश में ऐसी एकता हिंदू मुस्लिम की नहीं होगी जैसे कि मेवात में है। हम देखते हैं कि चाहे ईद हो, चाहे दिवाली हो, चाहे होली हो, या रक्षाबंधन हो, या बकरीद का त्यौहार हो, सभी को हिंदू मुस्लिम सब एक साथ मनाते हैं। ईद पर सब लोग गले मिलते हैं। वहीं हम आपको बता दें, जहाँ दिवाली होती है तो सब लोग एक दूसरे के घर जाकर मिठाइयाँ खा के ईद दिवाली को मनाते हैं। तो ये मेवात है, यहाँ ऐसा नहीं है जैसा लोग बाहर के लोग यहाँ सोचते हैं। कभी आप आओ मेरे मेवात, यहाँ की जो सुंदर तस्वीर है उसे अगर आप देखोगे तो आपका मन जो है यहाँ से जाने को नहीं करेगा। मैंने आज तक का एक रिकॉर्ड देखा है, जो भी अफसर, जो भी लोग यहाँ मेवात में आए हैं, आने से पहले उनके मन में बहुत भारी शंका होती है, बहुत ही ज़्यादा जो है डर होता है कि मेवात में जाएंगे तो क्या होंगे। अब देखिए श्रद्धालु, देखिए एक बार आप फिर बात करेंगे, श्रद्धालु की भीड़ देखिए किस तरह से, कुछ नंगे पैर भी चल रहे हैं। सभी का अपना अपना आस्था का एक रूप है, सभी अपना मानते हैं कि जिस तरह आप उनको मानते हैं, और कहते हैं कि कण कण में भगवान वास करते हैं, और जैसा जो कोई जैसी श्रद्धा रखता है वैसा ही सबको फल मिलता है। और भगवान श्री कृष्ण सबकी मनोकामनाएं पूरी करें, जो भी इन सभी श्रद्धालुओं की इच्छाएं हैं, भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी जी इन सभी की इच्छाओं को भी पूरा करें। अब देखिए हम आपको बता दें कि ब्रिज मेवात जो है, यहाँ पे जो भी आता है वो पहले डरता है, लेकिन जब वो मेवात में प्रवेश करता है, जब वहाँ का प्यार, यहाँ के ब्रिज की वो एकता, वो सुंदर एकता
देखता है तो उसका मन भी यहाँ घुल मिल जाता है और जाते वक्त वो बड़ा भावुक होकर जाता है। ये ऐसा देखने को आपको मिलेगा कभी भी अगर आप मेवात में प्रवेश करोगे। तो लगातार आप हमारे साथ देखते रहे। और मेवात की बात करें तो मेवात एक जगह है, एक क्षेत्र है, ब्रज मेवात है। यहाँ सभी धर्म के लोग यहाँ रहते हैं, धर्म और जात के लोग रहते हैं, सभी एक साथ एक समान रहते हैं। ना कि यहाँ कोई किसी तरह की कोई दिक्कतें हैं जैसे कि आपने अखबार और टीवी चैनल्स में देखा है, वो बिल्कुल मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा गलत देखा है। तो आप मेवात आइए और प्रवेश कीजिए, मेरे मेवात के एक चित्र छाया आप देखिए, ब्रज मेवात। धन्यवाद।